टाटा ब्लैकबर्ड भाई कैसी दिखने वाली है ये? ये कौन सी डेट पे लॉन्च होएगी? क्या क्या अपडेट्स इसमें आपको मिलेंगे? कौन से सेगमेंट में लॉन्च होने वाली है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होने वाले हैं। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए भाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। टाटा ब्लैकबर्ड नाम आपने आज से एक साल पहले काफ़ी हाईलाइट में आ रहा था सुनने में, फिर उसके बाद 6-8 महीने निकल गए और ये नाम बिल्कुल डाउन चला गया। बट अब फिर से नाम सामने आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि ये कार एक टाटा की न्यू मिड साइज SUV होने वाली है, जिसे आप बोल सकते हो मिनी SUV, और ये अंडर 4 मीटर नहीं होने वाली है, सब कॉम्पैक्ट नहीं होने वाली है। ये एक मिड साइज होने वाली है, जो आप क्रेटा के सेगमेंट में बोल सकते हो, आप कुशाक के सेगमेंट में बोल सकते हो, आप सेल्टॉस के सेगमेंट में बोल सकते हो, या फिर आप होंडा एलिवेट या फिर टाइगून के सेगमेंट में। अब मारुति की तरफ से ग्रैंड विटारा और टोयोटा की तरफ से हाई राइडर भी आती है इसी सेगमेंट में। एक टाटा ही कंपनी ऐसी रह गई थी जो भाई इस सेगमेंट में बिल्कुल नहीं थी, और लोग काफ़ी निराश थे, भाई तुम्हारे पास टाटा नेक्सॉन है बट तुम्हारे पास एक क्रेटा को बीट करने वाला सेगमेंट नहीं है। तो भाई टाटा जो लैंड रोवर जागुआर को ओन करती है, भाई उसने अपनी R&D इतनी स्ट्रॉन्ग करी, इतना टाइम लिया इस कार को क्रिएट करने में, इतनी ज़्यादा फीचर्स ऐड करने में, इतनी ज़्यादा लुक्स में एनहांसमेंट करने में, कि फाइनली भाई हमारे सामने आ रहा है कि टाटा ब्लैकबर्ड बहुत जल्दी इंडियन रोड्स पे उतरने वाली है। बट हम बात कैसे स्टार्ट करेंगे कि टाटा ब्लैकबर्ड ये एक्चुअली में लुक्स में दिखती कैसे है? स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग भाई वीडियोस देखते हो मेरी, बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, मैक्सिमम 85-90% ऑफ द ऑडियंस होती है जो न्यू ऑडियंस आती है, बट वो सब्सक्राइब करके नहीं जाती गाइस। और सच्ची बताओ, एक एक सब्सक्राइबर से हम लोगों को बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमें मोटिवेशन आती है कि भाई आपके लिए ऐसी रिसर्च कर करके और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएं। सो गाइस प्लीज़ लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी लुक्स भाई आपको ऑनलाइन बहुत वीडियोस बहुत पिक्चर्स दिखेंगी, बट एक्चुअली में टाटा की तरफ से ऑफिशियली अभी कोई भी रिवील नहीं हुई है कि भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल ऐसे होने वाली है, बैक प्रोफाइल ऐसे होने वाली है, या फिर साइड प्रोफाइल्स ऐसे होने वाली है। तो किसी भी ऐसी पिक्चर या फिर वीडियो को बिलीव मत करना। एक्चुअली में जो भी प्रोफाइल आएगी फ्रंट की, बैक की या फिर साइड की, वो टाटा की तरफ से ऑफिशियली ही रिलीज होगी। कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, आप लोग हो सकता है जो ऑनलाइन देख रहे हो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ निकल के आए, तो किसी को कुछ नहीं पता। बट हाँ, इतनी चीज़ हमें ज़रूर पता है कि जिस सेगमेंट में आने वाली है उसमें जो जो आपको लेंथ डायमेंशंस या फिर हाइट या फिर आप ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वो हमें सब पता है। ये कार गाइस टाटा के X1 प्लेटफॉर्म के अपडेटेड वर्जन पे बेस्ड होने वाली है। प्लस अगर हम इसकी डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग की बात करें तो वो टाटा की भाई इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज पे बेस्ड होने वाली है। आपको गाइस 4.4 मीटर लेंथ मिलने वाली है, 1800 की भाई विड्थ प्लस 1650 mm की आपको हाइट मिलने वाली है, और भाई इंडियन रोड्स और स्पीड ब्रेकर्स को देखते देखते इन्होंने 200 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी प्रोवाइड कर दी है, जो कि बहुत प्यारी है। और फ्रंट में गाइस आपको LED कनेक्टिंग DRLs प्रोवाइड होने वाले हैं विद पार्किंग सेंसर्स एंड हेडलाइट्स एंड फॉग लैम्प्स। बाकी गाइस फीचर्स इस बार ये लोग भर भर के देने वाले हैं, जैसे 18 इंचेस के अलॉयस ADAS फीचर जैसे नेक्सॉन में इन्होंने दिया, पैनोरामिक सनरूफ भी हो सकती है इसमें, पार्किंग सेंसर्स बहुत सारे होने वाले हैं, और डिज़ाइन लैंग्वेज तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी करने वाले हैं। गाइस एक बार आते हैं टाटा ब्लैकबर्ड में आपको कौन कौन से तरह के इंजन ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, प्लस आपको कौन कौन से तरह के गियर बॉक्स देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज इस बार भाई आपको बहुत प्यारे प्यारे इंजन ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, स्टार्टिंग विद द भाई 1.2 लीटर 3 सिलेंडर TGDI मिल सकते हैं, जो टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 125 की BHP साथ में 225 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एंड अगर अगले की बात करें तो हो सकता है भाई इसमें आपको 1.5 लीटर का TGDI इंजन भी मिले, टर्बोचार्ज पेट्रोल, जो अप्रॉक्सीमेटली 170 की BHP और 280 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। आई नो बहुत ज़्यादा साउंड करता है। और थर्ड भाई 1.5 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो भाई अप्रॉक्सीमेटली 135 की PS साथ में 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। गाइस ये सोर्सेस अभी कंफर्म नहीं है। बाकी अगर गियर बॉक्स की बात करें तो आपको भाई 6-speed मैनुअल AMT और हो सकता है 7-speed DCA भी मिले, जैसे नेक्सॉन में आपको दिए। प्लस इस बार आपको पेडल शिफ्टर स्टेयरिंग माउंटेड भी प्रोवाइड कर सकते हैं ये, और भाई इस बार हो सकता है ऑल व्हील ड्राइव भी ये लोग निकाल दे इसी में, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सेफ्टी तो आपको पता ही, टाटा की बहुत अच्छी होती है, 5-star ऑब्वियसली लाती है वो GN कैप में, और रिलायबल भी काफ़ी रहती है, आपकी सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, सर्विस कॉस्ट काफ़ी अच्छी रहती है, कार्स की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, और कोई भी अगर पार्ट वगैरह ख़राब हो जाए तो वो ईजिली अवेलेबल रहता है टाटा के सर्विस सेंटर में। तो टाटा इस चीज़ से तो अब डिसअपॉइंट लोगों को बिल्कुल भी नहीं करती। बाकी हाँ, हम ब्लैकबर्ड के बाद ये बोल सकते हैं कि भाई टाटा ग्रुप बेसिकली कंप्लीट होता है, क्योंकि उनके पास एक मिड साइज
सेगमेंट की एसयूवी भी हो जाएगी जो कि ब्लैकबर्ड हो जाएगी। उनके पास सब कॉम्पैक्ट अंडर 4 मीटर नेक्सॉन थी, उनके पास एक बड़ी एसयूवी 7 सीटर सफारी थी, उनके पास एक बड़ी एसयूवी 5 सीटर में हैरियर था, उनके पास एक हैचबैक भी है अल्ट्रॉस करके, बाकी टियागो टिगोर वगैरह ये तो है ही, बट हाँ ये लोग अभी भी एक प्रीमियम सेडान में लैग कर रहे हैं जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो। टाटा उनकी ब्लैकबर्ड बहुत जल्दी आ सकती है। अब लॉन्च डेट पे आते हैं। लॉन्च डेट भाई एक्सपेक्टेड जो है ना 2023 के एंड बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी जगह देखने को मिलेगा कि 2023 के एंड में आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। 2024 के स्टार्टिंग में या फिर आप 2024 के फर्स्ट 3-4 मंथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्लैकबर्ड का लॉन्च, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी नेक्सॉन का फेसलिफ्ट निकाला, तो अभी वो लोग टाइम देंगे नेक्सॉन की सेल्स को थोड़ा बूम होने में, तो कम से कम उसको 5 to 6 मंथ्स लगेगा, उसके बाद ही ये लोग अपना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो भाई अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। बाकी टाटा को ऑल द बेस्ट, ये काफ़ी अच्छी ब्लैकबर्ड मेरे को लगी कार तो इनकी जो आने वाली है मिड साइज सेगमेंट में भाई, मतलब क्रेटा को तो मेरे को लग रहा है बहुत टफ कंपटीशन देने वाली है, क्योंकि अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो भाई क्रेटा और सेल्टॉस बहुत हाई सेल्स करती है। अब एलिवेट की भी देखो सेल्स कैसी जाती है, बट होंडा एलिवेट से मेरे को सेल्स के मामले में उम्मीद थोड़ी कम लग रही है अगर आप क्रेटा या फिर सेल्टॉस से कंपेयर करो। बाकी हाँ टाटा ब्लैकबर्ड इस मामले में बहुत अच्छी, ब्लैकबर्ड तो जब आएगी वो आएगी मैं आपको बता दूंगा, जैसी आएगी सबसे पहले भाई जाके रिव्यू भी कर लेंगे फॉर श्योर। बट आप लोगों ने तब तक क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो पसंद आई तो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी और क्या क्या आपको कंटेंट चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। हम लोग आपसे मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तो बाय, सी एंड टेक केयर।